पालते हैं वो मछली नहीं खाते हैं। अच्छा, वैसे मछली के आप बहुत शौकीन हैं। शौकीन है, लेकिन जिसको पालते हैं खिलाए है, हाँ उसको हम नहीं खाते। अच्छा, अभी सब आ जाएगी मेरा बोली सुन करके। अच्छा, आओ आओ आ जाओ, सब आ गए, आओ आओ बीजेपी को हराओ, जत्रा बनाओ। अच्छा, शगुन बनाने के लिए भी मछली? शगुन क्या हो, तो सब अभी आएगा, अभी आओ सब। तो बहुत बड़ा बड़ा भी है इसमें, छोटा बड़ा सब है, अलग अलग ग्रुप बनाते। बीजेपी को हराओ मछलियों, आओ बीजेपी को समता को भगाओ, तो मछली न तो प्राण ले लेंगे तुम लोग का, मछली ले, छोटा बड़ा पार्टी सब मिल के मछली बीजेपी को हराने के लिए बोला सर। इन लोगों का भोजन हो गया। वापसी तो उसके साथ पंजाब भी जुटेगा ना, वापसी रियली ये फैक्ट है कि कोई भी जो उनके वोटर भी थे वो भी सब नाराज है, सब शिथिल है सब जगह। और नरेंद्र मोदी बिलो बेल्ट बात करने वाला आदमी, हवाबाजी करने वाला आदमी, तो इसको अब कोई नहीं पसंद कर रहा, आ इनको जाना है। और हम लोग बैठ करके फिर जो सेकुलर ताकते हैं बैठ के हम लोग ने इसमें अपना तय करेंगे। हार कर फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, फ्रस्ट्रेशन में है बिल्कुल। हम तो लालटेन लेकर खोज रहे हैं बनारस में कि केटो के न है, क्या क्या ये किया, कुछ नहीं किया। हाँ तो उसको याद आ गया, वो तो कभी राम राम के कृपा से ही सब जा रहा है। धर्म गुरु कहते हैं कि यहाँ पे और साई इमाम की बसपा को सब गुरु कहते हैं। अरे बेकार का गुरु है कोई लोग। सीधा आपसे सुनना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पंजाब में और यूपी में हार गए बीजेपी तो क्या आप मोदी का इस्तीफा दावा करेंगे? इस्तीफा ये स्टेप डाउन होना पड़ेगा इनको, हम तो जो करना है तो हम तो करेंगे ही, लेकिन इनके पार्टी के बीजेपी के और अडवाणी जैसे लोग जो इसका बुनियाद डाले। आप दावा करेंगे? आप बोलेंगे? ना, हम तो बोलेंगे ना, हम लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन ये बीजेपी ही पलट देगा, बीजेपी ही टूट फूट जाएगी, खत्म हो जाएगी और समझ जाएगा कि मेरा कोई भविष्य नहीं है, इस आदमी को कोई मैंडेट नहीं है। इसलिए एड़ी चोटी से जो अमित शाह कहीं का नेता नहीं है, बार बार हम पूछते रहे अमित शाह इलेक्शन के चुनाव में कि तुम्हारा जाति क्या है अमित शाह जी, बताओ, नहीं बताया। तुम किस धर्म के मानने वाले हो, तुम बताओ, नहीं बताया। ये तो बिल्कुल गुरु गोलवर्कर का जो संविधान है, बंच और थॉप्ट में आप पढ़े होंगे या पढ़िएगा मंगा करके, बहुत सारी बातें उस पर दी गई है। वो अपने गुरु के अरमानों को ये पूरा करने के लिए जदा कदा ये पूरा प्रयास करते रहते हैं, आरक्षण पर बोल दिया। तो ये बिल्कुल हमेशा ये चाहता है जहाँ कोई बातें सेटल बात है। शंकर प्रसाद ने तीन तलाक की बात की। अब ये रविशंकर प्रसाद को देखिए, ये अभी चुनाव आया, आप क्या बोलते हैं? इस बात का प्रमाण है कि इसका जमीन खसक गया, कहीं लोग वोट नहीं दे रहे हैं, हिंदू वोट दे रहे हैं हम लोग को, सारे हम लोग हिंदू नहीं है क्या, सारे दे रहे हैं अखिलेश को और गठबंधन को दे रहे हैं, इसलिए इस तरह का बात बोल रहा है। और उधर आदित्य योगी गोरखपुर में आदित्यनाथ बच्चों को तलवार थमा के दिखा रहा, रैली कर रहा। अगला सवाल, ये गौमांस पे बोलने से अब डर तो नहीं लगता? नहीं, बेकार का ये बात है, सब दुनिया के देश में जाकर ओबामा गाय खाता है कि नहीं बताओ, बीफ खाता है ना, नरेंद्र मोदी उसमें गला मगला मिलता है कि नहीं, और उसके बाद से आका था कि आके मेक इन इंडिया करता है कि नहीं, अरे कहाँ ये सब विश्व हिंदू परिषद वाला कहाँ है, ये सब सारे दुनिया में गाय कटाता है अमेरिका में, ये विश्व हिंदू परिषद डरपों का कहाँ है, क्यों नहीं जाता वहाँ का आंदोलन करने,
क्यों नहीं रोकना चाहता? एक एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गौमांस अपनी जगह पर है और उसी के साथ जो एक के बाद एक गिरिराज सिंह कहते हैं कि आपने हिंदुओं का अपमान किया है, गिरिराज सिंह एक अलग उस पर आरोप लगा। वो कोई आदमी नहीं ना है, देखो बात हमने तो कुछ बोला नहीं ना, देखो ईमानदारी की बात, हमने कहा बीमारी से मत खाओ, सब भी बोला, काजू जी बोला, ब्राह्मण है ना, काजू जी बोला और लोग बोला, तो गीब का मतलब ये है कि गिरिराज को बोलो कि जाके ये सब जो एग्रीमेंट हुआ उसको रोका, गिरिराज कोई चीज नहीं ना है, ये मंत्री है भारत सरकार में, गंजेड़ी है, ये आपको मालूम नहीं है, इसको इसे रखा नहीं, फजूले लोग रहते कपड़ बयान। उसके खिलाफ क्या कभी इच्छा नहीं होती आपकी कि उसको रोका जाए क्या, या वही नींव बनकर रह गया? वो कह रहे हैं आपने जेपी से धोखा किया है, कांग्रेस से हाथ मिलाकर आपने जेपी से धोखा किया, ये उनका आरोप है सीधा, ये जेपी को धोखा दिया है सब, नहीं जानते जेपी के अनुयायी तो आप थे ना सर। सुनो ना भाई बात, आंदोलन जो हुआ था छात्र आंदोलन जेपी मूवमेंट, उसमें बीजेपी भी थी, रविशंकर प्रसाद थे। बात सुन ना भाई, स्टेयरिंग कमेटी में सब है, मोदी हमारा जूनियर था, यो जूनियर था, तो स्टेयरिंग कमेटी में ये लोग भी था। जेपी ने कहा था, पूछना है लोगों से गांधी मैदान में कि हिंसा नहीं, मुंह बांधो, हमला हम पर जितना होगा हाथ मेरा नहीं उठेगा, जेल भरो, जेल भरो, जेल से स्वराज मिला है, ये प्रकाश बाबू बोलते थे। ये बीजेपी वाला डरपोंका साहब सबसे पहले हाथ उठाया कि पहला दस्ता जेल में हम लोग का जाएगा, आचार्य मूर्ति जी नहीं है, स्वर्गवास कर गए, आप किसी से पूछिएगा बिहार मूवमेंट के लोगों से, चरखा समिति से भी, मैं जाकर जयप्रकाश जी कि अब आएगा लोग तिलक लगाने के लिए बैठे हुए हैं, आरती उरती लेके महिलाएं बैठी हुई है, एक भी डरपोंका सब नहीं गया, नॉट टर्न अप, नॉट टर्न अप, ये धोखा दिया पहले ही दिन, ये सब धोखा दिया, धोखाबाज है। जेपी हमको फोन किए, दौड़ के गए किसी तरह से मूवमेंट को जेल पकड़वा कर सब लोगों को भेजवाए। जब हमारा आंदोलन जेपी का तीसरा पृष्ठ पर जाने लगा अखबार के, कि बीजेपी IRS से तय किया कि जयप्रकाश जी को किसी तरह से उठा के मना के रेलवे स्टेशन के रेल लाइन पर रख दिया जाए ताकि रेल से कटा जाए, आप पूछना, तो बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, गंभीर हम बोल रहे हैं ना, बात जो बात हम झूठ नहीं बोलते हैं, उसके पीछे लोगों का ये तर्क था तो मूवमेंट और तेज हो जाएगा, नहीं समझे? कौन कौन नेता था? अरे सब बीजेपी, सब RSS, सुशील मोदी, रविशंकर, टोटल ये सब क्या बात करेगा रविशंकर, इसके बावजूद को हम जानते हैं, वो सब बात नहीं बोलेगा, नहीं तो ये सब, ये तो बहुत गंभीर आरोप है कि आप कह रहे थे कि बीजेपी की बात गंभीर नहीं, तो और क्या है कि क्या बोलेगा नरेंद्र मोदी, जनता पार्टी सरकार में था कि नहीं, लो बोलो, जनता पार्टी सरकार में था ना, आज जयप्रकाश जी जीवित थे जसलोक में, आ इनको मार दिया सब, आ कंडोलेंस कर दिया, नहीं मालूम है लोकसभा में हम लोगों ने मैंने कंडोलेंस कर दिया कि जयप्रकाश जी मर गए, जीवित थे। बम्बई है, इनको मालूम नहीं कि बिहार कितना मोस्ट पोलिटिकलाइज स्टेट है और उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहार, तो किया धैया तो कुछ नहीं नरेंद्र मोदी ने, और आए थे बिहार को हथियाने के लिए, और नीतीश कुमार हमारा जो एकजुटता हुआ और कांग्रेस पार्टी के, तो पूरा मोदी के विदाई का रास्ता पक्का हो गया एकदम यहाँ से, और इसके बाद इस्तीफा करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, ये देश का लड़ाई है, इस्तीफा, इस्तीफा करके भागेगा, हारेगा बिहार तो नरेंद्र मोदी को, और ये देश का लड़ाई है, बिहार का लड़ाई नहीं है, सारा देश अब मैदान है बिहार, देश की लड़ाई का मैदान है बिहार, और इतना खतरनाक चाल इन्होंने जो गुलवरकर का जो किताब है इनके गुरु का, उसमें साफ लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर दलित
या दलित नेता अनाउंस करके आवे तो हिंदू लोगों को चहेट देना चाहिए ऐसे लोगों को, ये लिखा है जो इनके गुरु है, सबके गुरु है। किताब रखे हैं क्या आप? अभी दिखाते हैं अभी तो इसमें ये है उनके गुरु और इसमें आरक्षण के खिलाफ लिखा जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मोहन भागवत। ये मोहन भागवत अकेले नहीं है, ही इज ए स्पोक्स पर्सन, ही इज ए सुप्रीम कमांड ऑफ द बीजेपी मेन, तो उस एजेंडा को ये लागू करना चाहते हैं। अब मन की जो बात थी ये निकल गई और एकदम आग जैसा फैल गया है पूरा बिहार में, और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत हो या कोई हो, अगर हमारे पिछड़ों के दलितों के रिजर्वेशन को छेड़छाड़ किया तो आप समझ लेना कि हम चढ़ जाएंगे, सूली पर चढ़ जाएंगे, लेकिन हम ईंट से ईंट बजा देंगे और पूरा बिहार, पूरा दलित, तमाम पिछड़ा समाज और ऊंच जात के गरीब लोग भी है कि भाई ये तो रिजर्वेशन इन लोगों का कैसे खत्म कर रहा। तो यही वो कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव के बच्चों को क्यों आरक्षण मिले, क्यों जो जो जो, जो समृद्ध हो गए, जो अमीर हो गए, उनके बच्चों को क्यों मिले आर्थिक आधार? ये बात कहाँ आई इसमें, ये आर्थिक बात है कहाँ? ये तो ये कह रहे हैं कि 70 साल से चला रहा है, 70 साल में मुलायम सिंह लालू के बच्चे नहीं है, ये दलित और जो आदिवासी हैं, जो बाबा ने जो दिया संविधान में ये उसकी बात कर रहे हैं। अब बाद में हम लोग जुटे हैं बैकवर्ड क्लासेस के लोग जिसमें क्रीमी लेयर है, हम लोग नहीं जाते, हमारा बच्चा को नहीं मिलेगा, ये गलत बोलता। तो ये पूरा दलितों का, ये जो उनके गुरु हैं, ये इनके एजेंडा को, इनको सत्ता के घमंड में ये लागू करना चाहते हैं। वही नहीं जो रानी का राज है वहाँ राजस्थान, वहाँ आदेश निकल गया, हरियाणा में आदेश निकल गया कि 10वां पास जो नहीं होगा पंचायत के किसी चुनाव में लड़ नहीं सकता। अगर हम चुप हो गए, पूरा देश का पिछड़ा गरीब अगर चुप हो गया, तो इनका दूसरका एजेंडा है कि जो ग्रेजुएट होगा उसी को वोटर बनाया जाएगा पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के और असेंबली के चुनाव में। बड़ा खतरनाक डिजाइन है। कुल मिलाकर क्या जाति के ही जकड़न में एक बार फिर से बिहार नहीं ऐसी बातों से उलझ रहा है? विकास, सड़क, बिजली, ये सब की बात होनी, स्थिति हमारी बेहतर होती, लेकिन चलते बस में इन्होंने गोली मार के पंचर कर दिया, बिल्कुल अर्थव्यवस्था बड़ी भारी संकट में पड़ गया। आई पेटीएम, पेटीएम एगो नया पेटीएम कहा से निकाले हैं, जो समझते समझते लोगों को कितना दिन लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि कैशलेस बनाना है, कैशलेस तो सात मोबाइल को बटुआ बनाइए। हाँ, तो सात जिंदगी में कैशलेस पूरा इनका होने वाला नहीं है। ये देश है, लेन देन हाथ से होता है, कैश से होता है पैसा, ये कौन आदमी जानता है? इतना आदमी निरक्षर है, कौन ऑपरेट करेगा, कहाँ पैसा इसका निकाल देगा, कौन कहाँ खाता है किसी के पास में? हमने देखा बीबीसी लंदन का इंटरव्यू ले रहा था जाके, यहाँ सूरत में जहाँ कटिंग होता है डायमंडों को देखा, चारों तरफ से विद्रोह का शोर हमने देखा। अब किस तरह से बेकार दुकान वकान बंद, और लोग बोला कि सोन हीरा से चमकता था देश, हीरा से हम एक्सपोर्ट करते थे, हम राजस्व देते थे, सब बंदी के कगार पर है, कोई ग्राहक नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। यहाँ पर जाके आप देखें या कहीं भी देखिए, कोई खरीद बिक्री नहीं हो रहा आज। वो तो कह रहे हैं कि अब चाय वाला भी पेटीएम का और ई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल को बटुआ बना रहा है। तो उसी तरह से ना बात बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी की, हम फकीर हैं। हाँ। कल राहुल गांधी ने उनके छाती पर चढ़ करके महसाना में और 40 करोड़ रुपया सहारा से समय समय पर लेने का जो पेश किया है, तो फकीर के पास इतना पैसा कहाँ से निकला? फकीर कैसे है भाई, फकीर कैसे हैं आप? हम तो ये मांग करेंगे कि आप जो है सो, हम कोई बीजेपी या कोई आदमी का या कोई अर्पकता कोई चापलूस का बयान नहीं चलेगा। खुद प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने जो बात कहा है, उठाया है, इसका जवाब उनको खुद अपने देना पड़ेगा। और हम ये चाहेंगे कि उनके देने से या डिनाई करने से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के देख रेख में जांच कमेटी बने और उसका मॉनिटरिंग हो और इसका जांच होना चाहिए। साफ साफ बोलते थे नरेंद्र मोदी,
पहले बोलते थे कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हम पर नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप, इससे बढ़ के और भ्रष्टाचार का आरोप क्या हो सकता है? और वो इनकम टैक्स के खाता में है सारा चीज है, और ये मुख्यमंत्री दिल्ली वाले भी बोले थे, अगर आप दिल्ली वाला भी बोला था लिख के, वो सारा कागजात क्यों नहीं निकाला जा रहा है, क्यों दबाया गया है? तो ये नोटबंदी के देखिए अंजना जी, ये फेल हो चुके नोटबंदी में, तो अब ये कैशलेस पर शिफ्ट किए हैं, 60 बार नियम बदला गया, रोज नियम, कहीं कोई किसी को विश्वास नहीं कि क्या करें, लोग लगता है कि पागल हो जाएगा। इसीलिए इनको हम बोले थे कि अंकल पोजर एक थे, अंकल पोजर हैंग्स ए पिक्चर एंड ही नेवर हैंग्स ए पिक्चर, ही अपसेट द होल हाउस विदाउट काम। उसी तरह से नरेंद्र मोदी, ये अंकल पोजर है, ये पूरे देश को अपसेट करके छोड़ दिया है, लोग तबाह हैं, कोई चर्चा नहीं है, खाली नोटबंदी।